बैठक में निर्णय लिया गया कि जब हम लोगों की सुनवाई किसी प्रकार से हो नहीं रही है तो पद पर बने रहना हम लोगों के लिए कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इस नाते हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिए। संत कबीर नगर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल मची है, खलबली मची है, क्योंकि बीजेपी के मंडलाध्यक्ष के साथ ही 40 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। मामला ये है कि जैसे 16 तारीख को रात 9 बजे एक गलत सूचना पर घटा के द्वारा लहुरे गांव के बूथ प्रमुख श्री सुधीर वर्मा जी और उनके बड़े भाई शैलेंद्र वर्मा जी के साथ यशो धनघटा के द्वारा बहुत ही गलत तरीके से बदसलूकी की गई, गाली गलौज किया गया, मारा पीटा गया और उन लोगों को, दोनों भाइयों को हालात में डाल दिया गया। और जो उनके विरोधी थे राजकुमार वर्मा, उनको ऐसे छोड़ दिया गया, वो एक प्रतीकात्मक रूप से थाने में रहे। दरअसल हैंसर ब्लॉक के बूथ अध्यक्ष के भाई के साथ किसी का विवाद हुआ, जिसके बाद धनघटा थाना के प्रभारी ने बूथ अध्यक्ष सुधीर वर्मा और उनके भाई को थाने पर ले आए और उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की। मंडल अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ इस मसले पर थाना प्रभारी से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। फोन किया लेकिन थाना प्रभारी ने तब फोन नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से इसकी शिकायत की गई, बावजूद इसके मामला नहीं सुलझा। माननीय अध्यक्ष जी से भेंट किए, उनको एक ज्ञापन दिए। ज्ञापन में हम लोग लिखे कि अगर 48 घंटे के अंदर जो है यशो धनघटा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। उसी क्रम में समय सीमा समाप्त होने पर यशो धनघटा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग शिव मंदिर धनघटा पहुँचे, सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए एक बैठक किए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब हम लोगों की सुनवाई किसी प्रकार से हो नहीं रही है तो पद पर बने रहना हम लोगों के लिए कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इस नाते हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिए। सामूहिक इस्तीफा देने की धमकी के बाद भी एसओ धनघटा पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मंडल अध्यक्ष समेत 40 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। और इसी के बाद से पार्टी में खलबली मची है। यहां तक कि सियासी गलियारे में यह भी चर्चा है कि अगर जल्द ही इस मामले पर एक्शन नहीं लिया गया तो कार्यकर्ताओं का एक धड़ा जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी मोर्चा खोल सकता है, जो पार्टी के लिए किसी परेशानी से कम नहीं होगी।